हमारे झारखंड की शुरुआत करते हैं जहां खबर दुमका से। दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं हेमंत सोरेन। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का ये बड़ा बयान, आपको बता दें दुमका संसदीय सीट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। मनोज पांडे का ये बड़ा बयान सामने आया है। जेएमएम की परंपरागत सीट रही है दुमका। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के साथ राज्य की 3.15 करोड़ जनता खड़ी है। दुमका संसदीय सीट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का ये बड़ा बयान आया है। बता दें आपको कि जेएमएम की परंपरागत सीट रही है दुमका। हेमंत सोरेन के साथ राज्य की 3.15 करोड़ जनता जो है वो खड़ी है अपने परंपरागत सीट दुमका से। हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। हेमंत सोरेन जी को भी जो प्रताड़ित किया गया, चूंकि राजनीतिक रूप से परास्त वो नहीं कर पाएंगे, किसी जन्म में नहीं कर पाएंगे। जो विधायिका ने आरोप लगाया है, जब उन्होंने स्पष्ट बोल दिया तो इस फिर इसको उसमें साक्ष्य की क्या जरूरत है। उन पर डोरे डाले गए, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की गई, वो नहीं तैयार हुई तो अब देखिए कुछ नहीं मिला जहां तक मुझे जानकारी है। लेकिन एक बेबुनियाद आरोप लगाया जाएगा, एक परसेप्शन क्रिएट किया जाएगा, किसी भी तरह से आप मेरे साथ आ जाइए। माननीय हमारे नेता, लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन जी को चुनाव लड़ने की, चुनाव तो कहीं से लड़ सकते हैं, पार्टी अगर ये मानती है या पार्टी उनकी उम्मीदवारी पर मुहर लगाती है और वो उम्मीदवार बनते हैं, कहीं से भी उम्मीदवार बन जाएंगे तो विपक्षियों में बौखलाहट स्वाभाविक है क्योंकि उनके नाम से ही इनके पसीने छूटते हैं। लेकिन अंतिम फैसला या जो भी फैसला पार्टी आला कमान करेगी, अभी सिर्फ ये चर्चा में। और फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के साथ राकेश जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, देखिए प्रवक्ता मनोज पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अपने परंपरागत सीट दुमका से जो है वो हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं, क्या कुछ जानकारी इसके लेकर? देखिए कार्यकर्ताओं की इच्छा की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़े। दरअसल वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की परंपरागत सीट रही है और उस सीट पर आप कह सकते हैं कि जेमे वहां सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। तो उस लिहाज से जो पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी दिली इच्छा है कि हेमंत सोरेन को चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहिए। हालांकि जमीन के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वर्तमान में वो जेल में हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा जरूर है। और उसी बात का जिक्र पार्टी के जो केंद्रीय प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने कहा है और ये कहा है कि ये जो फैसला होगा वो पार्टी सुप्रीमो को लेना है। पार्टी के जो वरीय अधिकारी हैं, वरीय जो नेता हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग बैठकर फैसले पर पहुंचेंगे कि हेमंत सोरेन की दुमका से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। लेकिन ये जरूर है कि कार्यकर्ता इस बात को लेकर खुश हैं कि अगर हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक नया जोश जो है वो पार्टी वर्करों में आएगा। तो उसको लेकर एक मैसेज देने की कोशिश कार्यकर्ताओं के तरफ से की गई है। और ये सब कुछ अभी जो है वो फिलहाल चर्चा में है, संभावनाओं में ही है, क्योंकि अंतिम फैसला जो होगा वो पार्टी के जो केंद्रीय नेता है, जो केंद्रीय सुप्रीमो है, वो लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो पार्टी के जो वर्कर हैं उनकी इच्छा जरूर है कि हेमंत सोरेन जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़े और वो सीट जो है वो दुमका से लड़े। जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का ये बड़ा बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा है कि अपने परंपरागत सीट दुमका से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कार्यकर्ताओं की यही इच्छा है, दुमका परंपरागत सीट रही है जेएमएम की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।